परिपथ का निर्माण क्रमबद्ध समांतर। प्रस्तावना, परिपथ चाहे वे साधारण हो या फिर जटिल हो, हम उनका अनेक प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। विद्युत परिपथ का आमतौर से सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही वर्णन किया जाता है। साधारण परिपथ का वर्णन करने के लिए इतना ही कहना काफी है कि एलईडी बल्ब बैटरी से जोड़ा गया है और प्रतिरोध भी। हम परिपथ का वर्णन चित्रों या आलेख बनाकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार के चित्र हमारे मस्तिष्क में परिपथ का एक जल चित्र बना सकते हैं। परिपथ का वर्णन करने का एक और तरीका है पारंपरिक परिपथ के चिन्हों का उपयोग करना। परिपथ का और उसके घटकों का एक योजनबद्ध आलेख भी बनाया जा सकता है। अब हम PHET सिमुलेशन का उपयोग करते हुए परिपथ के व्यवहार का और उसके मूलभूत घटकों को समझने का प्रयास करेंगे। एक सेल या अन्य ऊर्जा का स्रोत एक बड़ी और एक छोटी समांतर रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जब हम अनेक बैटरी का संग्रह दिखाना चाहते हैं, तब हम लंबी और छोटी समांतर रेखाओं के समूह दर्शाते हैं। लंबी रेखाएं धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती हैं और छोटी रेखाएं ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। सीधी रेखा का उपयोग परिपथ के दो घटकों को जोड़ने वाली तारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। वो उपकरण जो विद्युत आवेशों के प्रवाह को प्रतिरोधित करता है उसे प्रतिरोधक कहा जाता है, जिसे परिपथ के चित्र में टेढ़ी तिरछी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एक खुले स्विच को आमतौर से सीधी रेखा में छेद देकर दर्शाया जाता है और उस रेखा के एक भाग को ऊपर की ओर उठाकर आड़ा दिखाया जाता है। बंद स्विच को इस प्रकार दिखाया जाता है। जब परिपथ में दो या दो से अधिक उपकरण होते हैं और एक ऊर्जा का स्रोत होता है, तब हम कुछ मूलभूत पद्धतियों से उन्हें जुड़ा हुआ दिखा सकते हैं। हम उन्हें श्रेणी क्रम या फिर समांतर संयोजन के द्वारा जुड़ा दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक ही परिपथ में तीन विद्युत बल्ब हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वे श्रेणी क्रम के रूप में जुड़े हुए हैं, तब उन्हें इस प्रकार से जोड़ा जाएगा कि हर एक विद्युत बल्ब से लगातार पद्धति से एक एक करके आवेश गुजरेगा। जब श्रेणी क्रम में हो, तब आवेश हर बल्ब से गुजरता है। अगर वे समांतर पद्धति से जुड़े हुए हैं, तब बस एक ही आवेश जो बाह्य परिपथ से जाएगा वो लाइट के बल्बों में से गुजरेगा। लाइट बल्ब को अलग अलग लाइन की शाखाओं से जोड़ा गया है और जो आवेश बाह्य परिपथ को लांघते हुए जाएगा वो निम्न विभव के टर्मिनल की ओर अपना सफर करते समय अपने पथ में सिर्फ एक ही शाखा से गुजर पाएगा। उपकरणों को जिस प्रकार से जोड़ा गया है वो बात परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध पर, परिपथ में बहने वाले विद्युत प्रवाह पर और हर एक उपकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विद्युत प्रवाह की मात्रा को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करेगा। श्रेणी क्रम संयोजन परिपथ। श्रेणी क्रम परिपथ का निर्माण हम लाइट बल्ब को इस प्रकार जोड़कर कर सकते हैं, जिससे आवेश को प्रवाहित होने के लिए बस एक ही मार्ग मिले। बल्ब को उसी पथ पर जोड़ दिया जाता है। शाखाकरण के लिए किसी भी प्रकार कोई बिंदु नहीं लिया जाता है। जैसे जैसे बल्ब की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनका उजाला कम होता जाएगा। ये निरीक्षण इस बात का द्योतक है कि परिपथ में विद्युत प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। इस प्रकार श्रेणी क्रम परिपथ में जब अधिक संख्या में प्रतिरोधक या बल्ब को जोड़ते जाएंगे, परिपथ में बहने वाली संपूर्ण विद्युत की मात्रा घटती जाएगी। चलिए एक और निरीक्षण की बात करते हैं। देखते हैं कि अगर सॉकेट से एक बल्ब को निकाल लिया जाए तो क्या परिणाम होगा। ये श्रेणी क्रम परिपथ की एक विशेषता है। श्रेणी क्रम परिपथ से अगर हम तीनों बल्ब में से एक बल्ब को सॉकेट में से निकाल लें, तब हम देख पाएंगे कि बाकी के सारे बल्ब भी एकदम से बंद हो जाते हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में एक उपकरण के काम करने के लिए सारे उपकरणों का काम करना जरूरी होता है। अगर किसी भी एक उपकरण को निकाल लिया जाए तो सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। मान लीजिए घर के सारे उपकरण अगर एक ही परिपथ में जुड़े हुए हैं, अगर रेफ्रिजरेटर को शुरू करना है तो उसके साथ घर के अन्य उपकरणों को शुरू करना जरूरी हो जाएगा, जैसे टोस्टर, ओवन, डिशवॉशर और घर के अन्य बल्ब इत्यादि को भी शुरू करना होगा।
इस प्रकार एक उपकरण का काम शुरू करने के लिए हमें सारे उपकरणों को शुरू करना आवश्यक हो जाता है। अगर किसी भी एक उपकरण से विद्युत प्रवाह खंडित हो जाता है तो सारे उपकरणों का प्रवाह भी खंडित हो जाएगा। अतः ये बात साफ है कि रसोई घर के सारे उपकरण श्रेणी क्रम से जुड़े नहीं होते हैं। समांतर परिपथ। चलिए अब हम बल्ब को समांतर जोड़कर देखते हैं। हम इस समांतर शाखा के बाहर भी कुछ बल्ब लगाएंगे ताकि हम एक एक बल्ब के जोड़ने से या निकलने से क्या परिणाम हो सकता है इसका निरीक्षण कर पाएंगे। जब हम बल्ब को जोड़ते हैं तब सूचक बल्ब की रोशनी बढ़ती है। समांतर परिपथ में जितने अधिक बल्ब या प्रतिरोध होते हैं संपूर्ण प्रवाह में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। प्रवाह में बढ़ोतरी प्रतिरोध के कमी के साथ सुसंगत होती है। जब हम अलग अलग शाखा पर प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ाते हैं तब उसका अनपेक्षित परिणाम होता है, इससे समस्त प्रतिरोध कम होता है। जब हम कोई एक बल्ब सॉकेट से निकाल भी लें फिर भी सारे परिपथ में प्रवाह वैसे ही शुरू रहेगा। इतना ही नहीं, शाखाओं का प्रवाह भी वैसा ही रहेगा। जब हम तीसरे बल्ब को सॉकेट में से निकालेंगे तब उसके प्रभाव के फलस्वरूप ये तीन बल्ब के परिपथ से बदलकर दो बल्ब के परिपथ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपके घर के उपकरण समांतर परिपथ से जुड़े हुए हैं तब रेफ्रिजरेटर को शुरू करने के लिए हमें अन्य उपकरण जैसे टोस्टर, ओवन, डिशवॉशर और घर के अन्य बल्ब इत्यादि को भी शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक उपकरण अन्य उपकरणों को बिना शुरू किए ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि हर एक उपकरण एक अलग शाखा से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस उपकरण को शुरू करते ही वो बस उस शाखा को होने वाले आवेश के प्रवाह को खंडित करता है। इस समय अन्य शाखाओं से अन्य उपकरणों को प्रवाहित होने वाला आवेश वैसे ही शुरू रहेगा। इससे ये बात साफ हो जाती है कि घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण समांतर परिपथ में जुड़े हुए होते हैं।